आज हम बात करेंगे कि दीपक त्राटक क्या होता है और हमें कैसे पता चलेगा कि दीपक त्राटक सिद्ध हो गया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दीपक त्राटक करने से आंखों को लाभ मिलता है, लेकिन यह दीपक त्राटक करने से पहले आपको बिंदु त्राटक या फिर दर्पण त्राटक करना चाहिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट दीपक त्राटक शुरू करोगे तो आपकी आंखों में फायदे की जगह नुकसान होने लगेगा और साथ ही साथ आपकी मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगेगा, क्योंकि बिंदु त्राटक या दर्पण त्राटक की सिद्धि आपकी आंखों को और भी त्राटकों को करने के लिए तैयार करती है। बिंदु त्राटक के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप देख लेना। दीपक त्राटक के अनेकों लाभ हैं, जैसे कि स्मरण शक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मन की शक्ति बढ़ती है, मन बहुत ही जल्दी शांत हो जाता है, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, विचारों के भेजे जाने की शक्ति बढ़ती है, संकल्प शक्ति बढ़ जाती है। इसके द्वारा विचारों को भेज कर उपचार भी कर सकते हैं, आंखों को लाभ मिलता है। चलो अब जानेंगे कि दीपक त्राटक का अभ्यास कैसे करें। किसी भी शांत कमरे में ढीले ढाले कपड़े पहनकर बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी या सोफा पर कमर सीधी करके बैठ जाएं। उसके बाद जलती हुई दीपक को अपने आंखों के 3 से 5 फीट की दूरी में रख दें। ध्यान रहे कि वह जलती हुई दीपक आपके आंखों के बराबर होना चाहिए, न ही बहुत ज्यादा नीचे होना चाहिए और न ही बहुत ज्यादा ऊपर, लगभग आपके आंखों के बराबर होना चाहिए। उसके बाद कमरे को अंधेरा कर दे। याद रखें, कमरे की खिड़की और पर्दे लगा दें, जिसके कारण हवा से दीपक बुझे ना। अब 10 बार प्राणायाम करें, यानी जोर से श्वास को खींचे, जितना हो सके श्वास को रोक के रखें, और जब दम घुटने लगे तो श्वास को धीरे धीरे छोड़े। इस तरह 10 बार प्राणायाम करें। अब प्राणायाम करने के बाद दीपक की लौ को एकटक लगाकर देखते रहें। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि आपके पलके भारी होती चली जा रही है, पलके स्वयं झपक जाएगी, ऐसा बार बार होता रहेगा। अब आप यह महसूस करेंगे कि आपके विचार पहले की तुलना में बढ़ गए हैं, लेकिन याद रखें, विचारों को निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विचार आप निकाल ही नहीं सकते, विचार आ रहे हैं, आने दे। अगर एक विचार आप निकालने की कोशिश करेंगे तो सैकड़ों विचार और आ जाएगा, इसलिए विचारों को आप निकालने की कोशिश ना करें। आप कोशिश ये करें कि आपके पलके ना झपके, आपकी आंख उस दीपक की लौ पर बनी रहे। आप जितना हो सके उस लौ को एक टक लगाकर देखना। शुरुआती दिनों में आपकी आंखों से पानी बहेगा, लेकिन फिकर नॉट ब्रो, आंखों से पानी निकलना ये नॉर्मल बात है। आप अपने अभ्यास को जारी रखें। आपको शुरुआती 15 दिनों तक 5 मिनट तक ही उस दीपक की लौ को देखने की कोशिश करना है, और 15 दिनों के बाद आप 5 मिनट से भी ज्यादा उस दीपक की लौ को देख सकते हैं। 3 से 4 दिन के बाद आपकी आंखें दीपक की लौ पर टिकना शुरू हो जाएगा, तो दीपक में अलग अलग तरह के अलग दृश्य दिखने लगेंगे। ये दृश्य आपके स्वभाव के अनुसार दिखाई देते हैं। अगर आपके मन में जितनी भी गंदगी भरी होगी तो दृश्य भी वैसा ही दिखाई देगी, लेकिन धीरे धीरे दृश्य में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। मन जैसा जैसा निर्मल और शांत होता जाएगा, वैसे वैसे ही दिव्य प्रकार के दृश्य दिखाई पड़ते हैं। कुछ समय के अभ्यास के बाद दीपक के लौ के आसपास तेज चमकीली रोशनी दिखाई देगी, और ये रोशनी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, लेकिन धीरे धीरे दृश्य में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। मन जैसा जैसा निर्मल और शांत होता जाएगा, वैसे वैसे दिव्य प्रकार के दृश्य दिखाई पड़ते हैं। कुछ समय के अभ्यास के बाद दीपक के लौ के आसपास तेज चमकीली रोशनी दिखाई देगी, और ये रोशनी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। कुछ दिन अगर और अभ्यास करते रहें तो जो रोशनी है वो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलने लग जाती है, लेकिन कुछ ही समय के बाद वो रोशनी गायब होकर मात्र दीपक की लौ दिखाई देती है। तो इसका मतलब ये है कि रोशनी पूरे कमरे में फैल जाए तब आपके दिमाग में एक भी विचार नहीं आते, और जब दीपक की लौ फिर से दिखाई देती है तो मन में विचार आना शुरू हो जाता है। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद दीपक की लौ की जगह पर नदी, पर्वत, पहाड़, जंगल, साधु और परियों के दृश्य दिखाई पड़ते हैं। जब इस तरह का अनुभव हो तो समझ लें कि आप सही राह पर हैं। इस तरह से इसका अभ्यास 1 महीने तक जरूर करें। अब हम कैसे जाने कि हमें दीपक त्राटक की सिद्धि मिल गई है। जब दीपक त्राटक करते समय दीपक की लौ गायब होकर कमरा पूरी तरह से रोशनी से भर जाए और यह अवस्था 10 मिनट तक रहे, यानी 10 मिनट तक दीपक की लौ की जगह पूरे कमरे में प्रकाश दिखे, तब आप समझ सकते हैं कि दीपक त्राटक में सिद्धि मिल गई है।